हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 17 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया आज फर्स्ट एक्जोटिक बर्ड पार्क इसेल वर्ल्ड बर्ड पार्क वाज लॉन्च्ड बाय इसेल वर्ल्ड लेजियर प्राइवेट लिमिटेड द एंटरटेनमेंट आर्म ऑफ द $6 बिलियन इसेल ग्रुप इन मुंबई। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क एसेल वर्स वर्ल्ड बर्ड पार्क एसेल ग्रुप की मनोरंजन शाखा एसेल वर्ल्ड लेजियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुंबई में $6 बिलियन में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, आसाम्स मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल द रंगोली बिहू आल्सो नोन एज बोगा बिहू विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू आसामीज कैलेंडर ईयर स्टार्टेड। नए असमिया कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक असम का सबसे बहुप्रतीक्षित त्यौहार रोंगाली बिहू, जिसे बेहागू बिहू के नाम से भी जाना जाता है, असम में शुरू हो गया है। बिहू एक असम का राजकीय त्यौहार है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्म्ड एम्फीबियस ड्रोन बोट नेम्ड मरीन लिजार्ड एंड गाइडेड बाय चाइनाज ब्यूडियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय चाइना। द ड्रोन शिप हैज बीन बिल्ट बाय वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप अंडर चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉरपोरेशन CSIC। मरीन लिजार्ड नामक दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट और नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम द्वारा निर्देशित चीन के ब्यूडो चीन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसमें हवाई ड्रोन और अन्य ड्रोन जहाजों के साथ मुकाबले करने की क्षमता है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल वर अवार्डेड पुलित्जर प्राइज फॉर दियर सेपरेट इन्वेस्टिगेशंस और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज फैमिली। न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार की अलग जांच के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, रॉयटर्स जर्नलिस्ट क्याओ सो ओ एंड वा लोन हैव बीन सेलेक्टेड फॉर यूनेस्को गिलमेरो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019। करंटली दे आर सेविंग 7 ईयर प्रिजन सेंटेंसेस इन म्यांमार। राइटर्स के पत्रकारों क्यावा सो ओ और वान लोन को यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 के लिए चुना गया है। वर्तमान में वे म्यांमार में 7 वर्ष की जेल की सजा काट रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचारों की। द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT, an arm of Reserve Bank of India, has launched a 5G use cases lab for banking and financial sector. भारतीय रिजर्व बैंक की एक शाखा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए 5G use case lab शुरू की है। नेक्स्ट, द फाइनेंशियल ईयर 2019 हैज एंडेड ऑन ए रिलेटिवली रोबोस्ट नॉट फॉर बैंक्स। दे क्लॉक्ड ए 13.23% ईयर ऑन ईयर क्रेडिट ग्रोथ अगेंस्ट 9.85% इन FY 2018। वित्तीय वर्ष 2019 बैंकों के लिए अपेक्षाकृत मजबूत रूप से समाप्त हुआ है। उन्होंने वित्त वर्ष 2018 में 9.85% के मुकाबले वर्ष दर 13.23% की वृद्धि की है। बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। फॉर्मर जूनियर नेशनल चैंपियन हर्षिल दानी रेलिड फ्रॉम ए गेम डाउन अगेंस्ट मैट्स क्रिस्टोफरसन ऑफ डेनमार्क टू क्लिंच द डच इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल इन द हैंग नीदरलैंड।
पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन हर्षिल दानी ने नीदरलैंड के द हेग में डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब हासिल करने के लिए डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफर सेन को हराया है। और नेक्स्ट और लास्ट न्यूज ऑफ टूरिज निधन, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट सेंटर ISSE एस के शिव कुमार डाइड एट द एज ऑफ 69 इन बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सैटेलाइट सेंटर ISSE के पूर्व निदेशक एस के शिव कुमार का बेंगलुरु में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।